जो भी पंच फैसला कर दें, हम गांव देहात के रहने वाले किसान लोग हैं, पंचायत को मानने वाले लोग हैं, अगर हमने पांच पंच को नियुक्त किया और जो फैसला हो गया बैठ करके, वो फैसला हो सर। जब किसी कानून वापस लिया गया उसके बाद राकेश टिकैत जी का एक आह्वान था कि किसी भी कीमत पर MSP पे हमें कानून चाहिए, संविधान चाहिए, लेकिन वो पीछे हटते दिखे और सरकार के चंगुल में फंसते दिखे, या सरकारों से मिली भगत है या कुछ और बात? देखो, शब्दों का चयन ठीक नहीं है। सरकार के चंगुल में फंसने वाली बात ना करो आप, तो दबाव तो लग रहा है, दबाव तो लग रहा है ना? नहीं दबाव नहीं, चाहे पंचों का ही हो ना सर, ना दबाव नहीं, दबाव नहीं, हम बता रहा हूँ। आप लोग अधूरी बात कह रहे हैं। टिकैत साहब ने कहा कि MSP पे कानून बनना चाहिए और ये भी कहा कि एक कमेटी बने, जो इस बात कमेटी बनने की तो कभी बात ही नहीं की। आप अपने अगर आपने जेबन से हमारे साथ हैं तो अपने वीडियो रिव्यू करिए, और अगर नए नए आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ये मेरे साथ ही कुछ है। अच्छा, ये जानते हैं इस बात। ज्यादा साहब पहले कहते थे कि कानून बना लो उसके बाद कमेटी का गठन होता रहेगा। हाँ, पहले कानून की मांग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों की मांग थी। लेकिन ऐसा है, जब बैठते हैं, और ये भी बात थी, एक बार बैठे, हाँ, बैठ के बात करेंगे तो मामले सुलझेंगे। हाँ, बैठे बैठ करके बात हुई, उस चीज़ों को समझा गया तो उचित ये लगा कि इस पर एक कमेटी बनना बहुत जरूरी है। हाँ, हमें देश भर के किसानों को देखना है। अगर एक जैसा कानून हम बना देंगे और वो तो फिर वो कानून तो कानून एक जैसा इम्प्लीमेंट होगा, तो पूरे देश की जब परिस्थिति के सामने देश के रखे, तो हम लोगों ने ये भी फैसला किया, सारे देश के किसान संगठनों से बात की, तो उन्होंने कहा कि इस पर कमेटी ही बेटर विकल्प है। इसके बावजूद भी हमारी घोषणा है कि MSP की लड़ाई अभी अधूरी है, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। यहाँ बात करो सर, भरोसा बड़ी जल्दी कर लिया हमने सरकार पर। नहीं, भरोसा हमने कहा, एक साल भी तो हो गई। नहीं, अब आके लास्ट में देखो, भरोसा तो करना पड़ता है कभी तो किसी में, बगैर भरोसे के। हमें भरोसा है कि ये रोड जो है बिल्कुल मजबूत है, ढहेगा नहीं, इसलिए हम खड़े हैं। और हमें ये भरोसा हो जाए कि कभी भी गिर सकता है तो ना आप यहाँ होंगे ना हम होंगे, भरोसा तो करना पड़ता है जिंदगी में। जदौन साहब, आपने जिक्र किया कि हम पंचायत वाले लोग हैं जी, तो किस दबाव में मानना पड़ गया? ना नहीं, पंचायत कभी दबाव में नहीं होती। पंच फैसला परमात्मा का फैसला होता है, न्यायसंगत फैसला होता है, और जब पंचायत बैठती है तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से नज़दीक आने वाली बात होती है। जैसे सरकार ने कहा कि 3 कानून वापस लेंगे, हम लोगों ने तुरंत 27 तारीख का जो संसद मार्च था उनको हमने कैंसिल किया। उन्होंने जब संसद में जाकर रिपील किया तो हमने और अगले कार्यक्रम अपने कैंसिल किए। तो ऐसा नहीं होता, नज़दीक आना पड़ता है सर। पर आप लोगों की इच्छा नहीं थी इस मोड़ पर आंदोलन खत्म? ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। आंदोलन खत्म होने का सही वक्त था और सही स्टेज पर सारी बातें मानी गई, रखी गई हैं, और फिर भी हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आंदोलन को स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया। क्या सर आपको ऐसा नहीं लगता कि MSP पर आप अकेले पड़ गए? जिस तरह से पंजाब और हरियाणा में पहले से MSP दिया जा रहा था और वो खास मांग MSP पर नहीं अड़े थे, लेकिन राकेश टिकैत जी का खासा प्रभाव था MSP पे कि वो MSP होने ही चाहिए, क्या अकेले पड़ गए इसलिए आप अपने बात को वापस ले लिए? बिल्कुल अकेले नहीं पड़े हैं, कतई अकेले नहीं पड़े हैं। आपको ये बहुत मजबूती के साथ बता दें, आपको जानकारी होगी, पंजाब और हरियाणा इस पर ज़्यादा एडामेंट थे क्योंकि उन्हें भरोसा ये लग रहा था कि आगे चल करके MSP खत्म होने वाली है। आप समझ गए पहले बात, तो वो ज़्यादा इस पर एडामेंट थे, जो फ़ायदा ले लेता उसको चस्का ज़्यादा लग जाता है। लेकिन यही टिकैत साहब की बात और हमारी बात, MSP का कानून पूरे देश में प्रभावी होने को बन रहा था। वो हिमाचल में सेब की खेती पर भी होता, वो केरल में नारियल की खेती पर भी होता, तो सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं, समझना पड़ती हैं कि क्या सिस्टम सही है। तो बैठ करके जो हम लोगों ने डिसाइड किया वो यही किया कि एक कमेटी बने, कानून ऐसा बने जिस पर किसी किसान को दिक्कत ना, तभी आंदोलन खत्म ना समझा जाए, स्थगित है, खत्म होने का सवाल ही नहीं। आंदोलन अगर देश से खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र मर जाएगा, आंदोलन लोकतंत्र की जननी है। अच्छा, एक सवाल, तो आंदोलन तो खत्म हो ही नहीं सकता, उसको तो स्थगित किया गया, आगे फिर देखेंगे। जादव साहब, एक सवाल मुआवजे को लेके भी है, कि मुआवजे को लेके क्या करेगी इसके? मुआवजे को लेकर के जो हमारी बातचीत हुई है, हर स्टेट को ये आदेश गए हैं सरकार के कि शहीदों के मुआवजे को दिया जाए। हम लोगों ने कहा था कि पंजाब वाला जो उदाहरण है उसको रख करके दिया जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंजाब ने जो करेगा उसको हम लोग। लेकिन सर, लखीमपुर कांड पे आपके कोई प्रतिक्रिया? नहीं, प्रक्रिया है, क्यों नहीं है? लखीमपुर कांड पे अभी हमारी लड़ाई जारी है। हाँ, अभी गृहमंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ है, अभी गिरफ्तार नहीं हुए, वो बहुत ज़रूरी है। अब ये सरकार की बात है, कब तक हठधर्मी दिखाएगी? और देश की जनता देख रही है, देश का कानून देख रहा है, देश की आत्मा जो लोकतंत्र की संविधान वो भी देख रहा है कि संविधान की शपथ लेने वाले लोग संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग आम आदमी हैं, जनता है देश की, हम आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसमें हम कभी पीछे नहीं हैं। हम कहीं बैक नहीं, ना किसी के दबाव में हैं। ये काम सरकार को करना है, सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार राष्ट्रभक्त सरकार है
भारतीय संस्कृति को पहचानने वाली सरकार है, संविधान की रक्षा करने वाली सरकार है। को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, अवश्य उठाना पड़ेगा भाई, जो जो भी गलत करेगा उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। सर जिस तरह स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात आप लोग अक्सर शुरू दिन से करते आए हैं, लेकिन ना जो छह सूत्री मांग थी ना उसमें कहीं जिक्र था, ना आप लोग सरकार से बात की उसमें कहीं स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात थी, क्या वो भूल गए या अपने वादे पर भूल गए? भूलने वाली कोई बात नहीं थी। तो कहीं जिक्र क्यों नहीं फिर? नहीं नहीं जिक्र थे। कहाँ जिक्र थे? 6 सूत्री जो मांग थी उसमें भी जिक्र नहीं थे, आप जो सरकार से बात की उसमें भी जिक्र ना थे, तो क्या सारे MSP पे कानून ये स्वामीनाथन रिपोर्ट का निचोड़ है आदरणीय? MSP पे कानून को आप समझिए कितना महत्वपूर्ण विषय है और कितना बृहद विषय है। हम आपके माध्यम से, प्रश्न आपका है, मैं समझ रहा हूँ कि आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि MSP पे कानून बनना भी स्वामीनाथन रिपोर्ट का एक बड़ा वो हिस्सा है। और दूसरी बात बता दें, माननीय प्रधानमंत्री का 2011 का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, इसलिए उनको याद दिलाया गया कि उस समय तो दूसरे प्रधानमंत्री थे, आप मुख्यमंत्री थे, आपकी सिफारिश को उन्होंने नहीं माना, आज स्वयं प्रधानमंत्री हैं, अब आपकी नैतिकता कहाँ गई? अब आपको पावर और सब कुछ है, बनाइए कानून। अच्छा यूपी मिशन की बात करते थे किसान यहाँ से, अब क्या यूपी मिशन की शुरुआत करेंगे? देखो यूपी मिशन की व्याख्या हमेशा गलत की गई। यूपी मिशन हमारा आंदोलन को लेकर था, हमेशा ये कहा गया कि आंदोलन की मजबूती के लिए यूपी मिशन है। यूपी मिशन हम कोई राजनीतिक दल तो है नहीं, जो हमें कहीं प्रत्याशी खड़े करना थे, चुनाव लड़ना था, ये तो कोई मिशन था नहीं। लेकिन विरोध प्रदर्शन भी तो किया जाता। अच्छा ये बताओ, जब आंदोलन रहेगा, हम किसी से लड़ाई में है, वो आंदोलन में आमने सामने है तो सपोर्ट करेंगे। तो अब माफ कर दिया आपने फिर? अब तो ये तो किसान देखेंगे, मौका दिया सरकार को, सरकार को एक मौका दिया है कि कुछ अच्छे काम करके किसानों का अगर दिल जीत सको तो जीत लो, वो सभी को मौका है, विपक्ष को भी मौका है, सरकार को, पक्ष विपक्ष दोनों को मौका है, जिनको सत्ता का व्यापार करना है जीत ले अपना दिल, और अगर दिल जीत लेंगे तो ठीक बात है, और नहीं जीत लेंगे तो किसान फैसला करेगा। वो किसान नहीं रहा तो एक इशारे पे वोट देगा, वो सोच समझ के तौल करके वोट, तो हर कदम पे सरकार के तैयार रहेगा। बिल्कुल, इस आंदोलन की यही तो उपलब्धि है कि सरकार किसान को लगा कि हम लड़के जीत सकते हैं, हमें लड़ना चाहिए, हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें एकजुट रहना चाहिए, तो इस आंदोलन की बड़ी उपलब्धि है और हम सारे लोग एकजुटता के साथ यहाँ से जा रहे हैं। भविष्य में ऐसा कुछ होगा तो जरूर आंदोलन।